आज हम आपको जीवामृत, बीजामृत और उसका इस्तेमाल ड्रम सीडर के माध्यम से कैसे हम बीजारोपण के लिए करेंगे वो दिखाते हैं। पहले हमने घर पे टेस्ट कर लिया और उसके बाद हमने बीज का शोधन स्टार्ट किया। बीज सुखा भिगोने के बाद सुखा के अब उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह सब मिक्स करके बीज का शोधन किया, आपको दिखाते हैं। यह वीडियो प्रविधान FPO कप्तानगंज कुशीनगर की तरफ से है, लोगों को उन्नत खेती करने के सिखाने के लिए ड्रम सीडर से कैसे बुआई करें उसके बारे में। अच्छी तरीके से घी, शहद, ट्राइकोडर्मा और बीजामृत मिक्स कर लिया। यूपी डर्मा कंपनी का है ये, उत्तर प्रदेश सरकार का है और ये हमने बीजामृत डाला। अब उसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम सीधे खेत में गए और वहाँ पे कलेवा लगाने लगे, कनई भी बोलते हैं हमारी तरफ। लगाते लगाते काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन अब बीच में छोड़ नहीं सकते थे तो हमने उसको मिट्टी को बराबर कराया। फिर भी खेत पूरा तो ऐसा बराबर नहीं हो पाया। पानी लगाने के बाद खेत का देखिए पानी की तरफ बह रहा है, यानी खेत समतल नहीं है और पानी सेटल हो रहा है। अब ये करते करते रात हो गई थी तो हम लोग एक दिन सुबह आते हैं और सुबह फिर से शुरू करते हैं। सुबह ये स्थिति थी खेत की, पानी इतना लगा हुआ था, इतना पानी टिका हुआ था तो हम लोग को लगा पानी कम है तो मेड़ लगा के और पानी हमने चलाया। सुबह पानी चलाने में लगभग 2 घंटे और लग गए और उसके साथ ही हमने उसी में जीवामृत साथ घोल बना के डाल दिया। हाँ हाँ जाएगा जाएगा, वो सब जहाँ जाना है जाएगा। पानी धार में गिराओ, धार में। हाँ अभी चूंकि हमको 5 से 6 बार करना है, एक बार हमने बल्क में डाल दिया पानी के साथ। 2 ड्रम हम लाए हैं, दूसरा डब्बा जीव अमृत का डाल दो, उसमें पानी में डाल दो, गिरा दो। ये डालू कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, इसे पूरे खेत में इतना हम लोग डाल दे रहे हैं। अभी ये चूंकि पहली बार है, कम से कम 5 से 10 बार हमको अभी चलाना है पानी, हर बार पानी में पड़ेगा। जीव अमृत ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत है, ये हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ये देखिए सब जा रहा है, पानी सब पूरे खेत में मिल जाएगा। पूरे खेत में पानी चलाने के बाद खेत की स्थिति ऐसी हो गई, कुछ कुछ हिस्से अभी भी रह गए जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा। पानी हम लोग लगाने के बाद अब आज भी शाम ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमें कहा कि आज को ख़त्म कर लेंगे। जहाँ जगह पे मेड़ लगा के पानी को बैलेंस किया गया, ये कुछ झलकियाँ यहाँ पे भी जीवामृत को छिड़काव जो है खेत के बाकी हिस्सों में भी कर रहे हैं। चारों कोनों पे उन्होंने जीवामृत डाल दिया। ये ड्रम सीडर में बीज भराता हुआ उसको पूरा नहीं भरना है, 3/4, ताकि ऊपर बीज घूमने भर का जगह उसमें रहे। ये हमको लग रहा है कि 1 बीघा के लिए सफिशिएंट है। 1 बीघा में लगभग 8 किलो बीज लगेगा, हालांकि वो डायरेक्ट रोपनी विधि से लगता है, इसमें हो सकता है 12 किलो लगे। तो 1 बीघा का एक ही बार में बीज इसमें आ जाना चाहिए, उम्मीद तो यही है, भर के देखते हैं। बोरे में लेके भरना आसान है। पूरा इसको नहीं भरना, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जगह है अभी। इसके बाद हम इसको खेत में चलेंगे भरने के बाद। ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत हो गया वो। बस जगह और बीज है भाई इस पे अभी। छोड़िए रखिए, आप रख दीजिए आप उसको अभी कहीं। बच्चों बीज को इकट्ठा करके ढक्कन लगा दीजिए। इसका वजन कितना लग रहा है भरने के बाद? 14 केजी का वो होगा, 5-6 केजी का ये लगभग 20 केजी हो गया।
हल्का है, चूड़ी खराब ना हो। चलो चलते हाँ, गिर रहा है, हल्का हल्का गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? बहुत कम गिर रहा है, गिर रहा है, गिर नहीं रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। हाँ वो दो दो दाना करके गिर रहा है। सारा खोल दिया जाए अंकल? नहीं नहीं, कम गिर रहा है बहुत। मतलब नहीं, दूरी बराबर बहुत कम गिर रहा है, गायब हो जाएगा, चिड़िया चुक जाएंगी सब, इतना कम गिर रहा है। चलो चलो तुम चलते चलो स्टार्ट। बाहर भगाया है, किधर जा रहा है? मेड़ भाग, ए मेड़ आपका डिस्टर्ब है, टेढ़ी चढ़ा है। अब इस छटका लेके बिया फेंका जा रहा। लाइन पे ध्यान देना, लाइन पे चलना, लाइन से अंदर आ रहे हैं भैया। जो लाइन पे चल रहा है? नहीं ठीक चल रहा है। मूवी बना रहे हैं एकदम, लग रहा है कि हीरो साउथ का लड़ रहा है। इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। दो लाइन करने पे अगर नॉर्मल आदमी थक सा जाता है। लाइन चेंज करें, देखिए लाइन चेंज कर रहे हैं और शाम भी हो गई है, लेकिन काम हम लोग का चालू है। बाहुबली लाइन पे चल रहे हैं, सही ठीक है। बहुत अंदर आ गया सर, आप देखिए लाइन कहाँ है।
ऐसे ही चलिए, सामने देख के चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा यार। और उधर चलिए, ठीक है लाइन आपका। कैसे काम करता है? मुझे क्या बढ़िया आ रहा है। पन्नी बांध दो। अच्छा जल्दी आइए सर, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, हीरो लग रहे हैं। कम ऑन हॉर्स, यू कैन डू इट। यस तुम हल्का है ना, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, चलो सामान। कम ऑन यू कैन डू इट हॉर्स, तुम्हें वो किसान वाले सारे गुण हैं। लाइन देखिए, अंधेरा भी होने को आ गया, अब हम लोग आखिरी चरण में चल रहे हैं। आराम चल लो हाँ, हे फल रहे। हम तो घर जा रहे थे, जितना इतना हम इतना इतना घसे हैं। ले चल चलो, उठा के ले जाना पड़ेगा, चल चलेगा। इतनी मशक्कतों के बाद हो तो गया, लेकिन ये अगले दिन सुबह इतनी बारिश हो गई कि पूरा का पूरा खेत हमारा भर गया। रात को उसमें ड्रम सीडर से बुआई हुई थी और आज सुबह बारिश हो गई, सुबह 3 बजे से बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अब देख सकते हैं कि पूरा खेत डूब गया है। अब इसका बीज जो है उसकी क्या स्थिति होगी भगवान ही जानते हैं, देखेंगे इसका पानी ख़त्म होने के बाद क्या स्थिति होती है। हमने मेड़ को चक्रोट को काट दिया ताकि पानी उस तरफ से इधर निकल आए, ताकि कुछ पानी का बहाव इसमें कम हो जाए। और आज की गतिविधि है, ये था प्रविधान FPO की तरफ से ड्रम सीडर से बुवाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जानने के लिए बीज की स्थिति क्या है।